तो गाइज आज हम भैया की शॉपिंग करने जा रहे हैं और आज का व्लॉग में अभी मैंने थोड़ा अच्छे से तैयार नहीं हुई तो मैं कार के अंदर ही रेडी होने वाली हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज हम करने जा रहे हैं शॉपिंग। क्या भैया के लिए क्या लेने क्या लेने जा रहे हैं भैया? आज शेरवानी। हाँ आज खरीद लेना। आज हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं। तो आज हम शेरवानी लेने जा रहे हैं गाइज, इसी तरीके से बने रहिए, हम आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या होता है। हमने मौसी को उठा लिया यहाँ से। हाँ मौसी, कैसी हो? ठीक है, बढ़िया। गाइस बढ़िया, लाइक सब्सक्राइब प्लीज शेयर और कमेंट भी आप करते नहीं हो। कमेंट भी करते तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। आज हम जा रहे हैं दूल्हे की शेरवानी खरीदने, है ना? अब आके दिखाएंगे आप लोगों को सबको, है ना? है ना? क्या ये हंस क्या रही है? लग रहा है जैसे नशा करके। अरे मौसी बोलती है तो यार मेरे को समझ नहीं आता क्या जो बोलूं। सही तो कह रही है, एक मौसी है जो मेरे ब्लॉग में अच्छा खासा बोलती है। मौसी का सूट अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर बनियान भी मस्त। इसको मेरी चीजें जिलाई ना, ब्यूटीफुल। चलो गाइज अब हम वहां जाके व्लॉग करेंगे स्टार्ट। अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। सो गाइज हमने पार्किंग, सो गाइज ये पार्किंग है और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम मार्केट जाएंगे और मार्केट में हर जगह और मार्केट में हम जाके अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्यों कृष्णा, आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड तो बहुत है क्योंकि आज भैया की ड्रेस लेनी है। ठीक है ठीक है। क्या लेने आई उधर? ये ले रही ये ले रही थी क्या कशिश के लिए? कैसा अच्छा लग रहा है? हाँ मुझे भी तो लव ब्लॉग में। हाँ हाँ चंदू भैया मिल गया आपको? चंदू भैया रॉकी हैंडसम की तरह क्यों लगता है? सो गाइस हम यहाँ पे रुक गए क्योंकि हमें हल्दी के लिए भी चाहिए तो मेरे भाई लोग अपने हल्दी के लिए ले रहे हैं। सो गाइस हमने यहाँ से ले लिया, जिसने हल्दी का आउटफिट लेना था ले लिया। या हीरो कृष्णा फिर से लगाना। गोल वाला ले तो, गोल वाला तो कौवा बिरयानी वाला लग रहा है, पता है? अबे सही से लगा। वो वाला सही से लगा। कैसी लग रही है? अब हम मेन मार्केट में आ गए हैं। अभी हमने जो चीजें लेनी थी सब ले ली, हल्दी का आउटफिट ले लिया, कप्स लेने थे वो ले लिया। अब हम आ गए मेन मार्केट में, है ना मौसी? हाँ, हाँ बोलो। हाँ। क्या लिया? अभी हम लोगों ने शेरवानी नहीं खरीदा, अभी शेरवानी खरीदे। हाँ गाइस जब मैं यहाँ 4 साल पहले रहती थी ना तो मैं यहीं से शॉपिंग करती थी क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर ब्रांड, हर लोकल मार्केट का सामान, हर चीज़ और इजीली आपको इस मार्केट में मिल जाता है और इसको कहते हैं हम आलमबाग। तो आलमबाग में आपको हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाती है, चाहे वो आपको शादी का हो या जो भी हो, मतलब नॉर्मली किसी भी फंक्शन का हो, किसी भी ओकेजन का हो, सब यहाँ पर अवेलेबल होता है और आप प्रॉपर शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे सिंध में। गाइस हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं इनके लिए क्योंकि हम और जगह देख के आए हैं तो लेट्स सी इनको यहाँ पसंद आते हैं। तो
गाइस हम यहाँ से आए लेकिन हमें ना लहंगे के साथ मैचिंग का नहीं मिला और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा था, तो अब हम जा रहे दूसरी जगह। तो अब हम यहाँ पे देखने आ गए हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्हें पसंद आता है कि नहीं। ये अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा ये भी लगेगा आपकी पसंद की बात है। तो कौन सा कह रहे लोग, वही लगाओ ना, भी वाइट वाला पहन। यहाँ पे भैया को पहना रहे हैं। पहना दे, रुक जाइए। अच्छा माला अगर पहना दे फिर के बाद आप। ये मेरा व्लॉग था बल्गारिया। हाँ हाँ यहाँ पे पूरा रेडी करके बताएंगे। ये थोड़ा हल्का है मौसी कपड़ा, इसका पहनने में थोड़ा अच्छा है। हाँ मतलब हाँ मेरे को भी वही लग रहा है। आपके लहंगे को लहंगा ऐसी है ना, तभी तो लहंगा मैचिंग करो, कुछ तो होना चाहिए। चलो जल्दी शादी करा। सही बात है यार, वो लग रहा है बिल्कुल। क्या नाम था उनका, पद्मावत में वो जो राजा था, पद्मावत में राजा महाराणा चित्तौड़गढ़ का राजा नहीं था वो, कुछ क्या शाहिद कपूर ने, शाहिद कपूर जो रोल निभा रहा था। नहीं ठीक लग रही है माला, अच्छा लग रहा है माला। अब ये सेटल्ड लग रहा है पूरा। ये टोपी ठीक है, वो ज्यादा ही बड़ी है। बड़ी नहीं पता, वो पिंक ना बहुत चटक हो जा रहा है इसमें। ये ठीक भी लग रहा है थोड़ा मोड़। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ना ये ट्राई कर रहा है कृष्णा, क्या यार पर ये तेरे पे ना अच्छा नहीं लग रहा यार। बड़ा है लेकिन है तो कलर ठीक है। दिखाना इधर, दिखाना कैसा लग रहा है। ये ठीक ही लग रहा है। अब कृष्णा बन गया एकदम मस्त। इधर दिखा दे, इसको दिखाया तुमने। कैसा लग रहा है? बढ़िया। क्यों अजीब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा था, अजीब लग रहा है। इसमें तेरा सुधरा हुआ अच्छा लग रहा है। नहीं इस कोट में, इस कोट में तो थोड़ा मोटा लग रहा है, वो जो वाला नहीं चिपक जा रहे थे। हां 3 2 1 स्लोमो बना लीजिए, यहां भी दिखा देना। हां हां पूरा लुक अच्छा आ रहा है। एक बार वाली पगड़ी देखो, वो वाला जो लाया। कैसा लग रहा है कीका तेरे ऊपर, दिखाना। अरे वाह कृष्णा बन गया चार्ली चैपलिन। ऐसा दूल्हा आपके पास पहली बार आया होगा ना। परेशान हो गए भैया, परेशान हो गए हम लोग। हो गए तो आप, सब फाइनल हो गया गाइस, सब फाइनल हो गया। ये बताएंगे ना कब आना। गाइस फाइनल हो चुका है सब कुछ। यहाँ पे मेरे भाई का मेजरमेंट ले रहे हैं और इनका भी सब कुछ फाइनल हो गया है। फाइनली हमने यहाँ से ले लिया, सब कुछ निपटा लिया। मौसी थक गई? थक गई यार बहुत। अब फिलहाल शेरवानी और कोट पैंट ले लिया तुमने। अरे मुझे भी दिखाओ एक बार इधर। हाँ चंदु भैया आप बताओ, आपको सही लगा यहाँ से? एकदम फिट। चलो ये पहनो भैया, साइज पहनो बाकी कलर। ठीक है, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। और अब हम घर फाइनली चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो चुका है। बढ़िया फिटिंग भी यार मस्त, कोई भी अच्छा लग रहा है। स्लिम है, स्लिम के हिसाब से लुक भी अच्छा लगना चाहिए। अब गाइस हो गई शॉपिंग और अब चाय भी आ गई है मौसी। अब हमारे लिए चाय आ गई। हाँ अभी हम चाय पियेंगे। मौसी चाय आ गई हमारे लिए। लो बेटा ये मेरी बेटी के लिए, देखो कैसी चाय। अच्छी है ना मौसी? क्या कुर्ते के साथ पैजामा पैक कर दिया था? गाइस फाइनली हमने ले लिया है, चंदू भैया ले लिया। शर्मा रहे चंदू भैया। अच्छा फाइनली अब हम जा रहे हैं घर। अरे कुछ तो बोला करो यार, थक गए हैं। योगेश कुछ तो बोला कर। कुछ नहीं बोलते गाइस, मतलब लोगों के ब्लॉग में हर मेंबर कुछ ना कुछ बोलता है पर मेरे घर वाले बिल्कुल चुप रहते हैं।
हम कहाँ हैं, पेंटालूंस आए हैं। अच्छा, आपको क्या लेना है यहाँ से? वहाँ से मेरे को लेना है, एक बच्चे के लिए व्हाइट पैंट लेना है। अब हम शोरूम में आ गए हैं। तो गाइज अब हम अपने लिए शूज़ देखने आ गए। यहाँ पे काफ़ी सारे शूज़ हैं और मुझे ये वाला पसंद आ रहा है जो कि 4500 का है। गाइज मुझे लगता है कि मैं खरीदने से रही। क्यों कृष्णा, तुझे क्या लगता है 4500 का सही लग रहा है शूज़? ये वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है इसमें, कुछ है ही नहीं? अच्छा क्या नहीं है, बहुत यूनिक है, सिंपलिसिटी है शूज़। थोड़ा जूता देख लो गाइज। हो गई गई शॉपिंग, आप दूसरी जगह जा रहे हैं। विशाल में है ना मौसी, जूते अभी हम लोगों ने वहाँ से। हम आए गाइस विशाल मेगा मार्ट आशियाना। तो यहाँ पे हम कुछ सस्ती चीज़ लेना चाहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़े रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो जो भी हमें वन टाइम यूज़ वाली चीज़ें हैं वो हम यहाँ से लेके जाएंगे अपना। लग रहा है योगेश मेरे साथ शॉपिंग करके। अरे ये रहा हाँ मौसी, सब समझ आ जाता। मौसी कह रही यहाँ सब समझ आ जाता है क्योंकि सस्ती जगह ना मौसी सबको समझ आती है। हाँ महंगी जगह किसी को समझ नहीं आती है, जैसे सस्ती जगह सबको समझ आता है। इस मेरा मिरर के साथ अलग ही ऑब्सेशन है। कह रही शीशा देखते ही हम लोग अपने आप को देखने लग जाते हैं ना मौसी। सबका ऐसी रहता है ना, शीशा देखा नहीं चिपक जाते। मौसी कह रही शीशा देखा नहीं कि चिपक जाते उसमें। तो गाइज मुझे यहाँ पे फुटवेयर पसंद आ रहे हैं। मतलब विशाल मेगा मार्ट में ना आपको हर चीज़ बहुत सस्ते में मिल जाती है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पता ही होगा बट स्टिल मैं बता रही हूँ जिनको नहीं पता। जैसे कि ये वाले फुटवेयर ना यहाँ पे सारे 200 से स्टार्टिंग 300 तक में मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे फुटवेयर ऑप्शन। यहाँ पे मेरा भाई शूज़ चेक कर रहा है। कौन सा सही लग रहा है जल्दी ले यार, मैं बहुत थक गई हूँ अब। ये वाला अच्छे लग कंफर्टेबल है, थक गए हैं मौसी। थकान लग गई बहुत ज्यादा। अभी और सामान लेना हम लोगों को, अभी आ रहे सामान ले रखा। कैसा लगा? अच्छा लगा ना। आज हमारी फाइनली हो गई, फाइनली शॉपिंग हो गई है। yes. जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। हाँ काम हो गया, कोई मतलब ही नहीं है भाई। मेरे व्लॉग में ये लोग बिल्कुल बोलते ही नहीं है, बस एक खाली मौसी है जो बोलती है। इसको देखो कृष्णा, क्या क्या लिया बाबू, क्या क्या लिया तूने? देखना क्या लिया, क्या लिया, घर का सामान दिलवा दिया है। बोला तूने, फिर से बोल। वॉशरूम साफ करूंगा। हाँ हाँ, कचरा उठाऊंगा। हाँ फिर प्यास लगेगी इससे पानी पीऊंगा। हाँ फिर रात को खाऊंगा, काम करूंगा, सब कुछ लिया है कृष्णा ने। मुझे ये पसंद आ रहा है यहाँ पे, सामान ज्यादा हो गया था इसलिए दो दो बोरे भर दिए हमने। गाइस गाड़ी भी आ गई हमारी, चलो भरो। सो गाइस अब हम आ गए हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड खाने, लखनऊ का स्ट्रीट फूड है ना चंदू भैया। क्या मिलता है इधर? यहाँ मोमो, पाव भाजी सब मिल जाता है, चिकन रोस्टेड, और क्या बोलते हैं कबाब, सब मिल जाता है गाइज यहाँ पे। ये जगह काफ़ी मतलब फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए। लखनऊ का कौन सा एरिया है ये? हम जा रहे पाव भाजी खाने अभी। पाव वहाँ का बहुत टेस्टी मिलता है पाव भाजी, पता है? हाँ आपने खाया है? हाँ। अरे वाह, तो फिर तो खाएंगे यहाँ पे सारे। तो आओ फिर ट्राई करेंगे आज हम। ये देखो गाइस यहाँ पे हम पाव भाजी खाने आ गए। अरे यार ये ब्लॉगर चाउमीन खाएंगे, बहुत टेस्टी, बहुत 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 टेस्टी। अब हम यहाँ बैठ गए हैं
यहाँ पे हम खाएंगे चौमिन, ऐसे करके यहाँ पे टेबल्स लगी हैं, है ना मौसी? हाँ, हमारी चौमिन आ गई है। शादियों की तरह बना दिया। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और मेरा भाई फिर से ट्राई कर रहा है, देखते हैं। फिर से ट्राई करने लग गया ये यार, इसको चैन नहीं है, देखा ना? या कैसा लग रहा है ताई? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है ना। नाना सही है, सही लग रहा है।